नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है आप लोग स्वस्थ एवं खुश होंगे। हाजिर हूँ मैं हंटिंग की एक और इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ। दोस्तों, आज की स्टोरी है कर्नल पावल की। कर्नल पावल एक और अंग्रेज शिकारी थे जो आज़ादी से पहले यहाँ आए थे और हिंदुस्तान में हिमालय से लेके साउथ इंडिया तक उन्होंने कई जगह जंगलों में हंटिंग की थी या जंगल लाइफ का आनंद उठाया था। वाइल्ड एडवेंचर जिसे कहते हैं, तो वाइल्ड एडवेंचर के शौकीन व्यक्ति थे। खासियत यही थी कि किसी एक लोकलाइज्ड जगह में नहीं गए, उनके जो शिकार एक्सपीरियंसेस हैं या उनके जो जंगल स्टोरीज हैं वो किसी एक लोकेलिटी की नहीं है, वो नॉर्थ में हिमालयन रीजन की भी हैं, तराई रीजन की भी हैं और मध्य भारत में पचमणी और इसके इलाके की भी हैं और साउथ में ऊटी जहाँ है आजकल उसके इलाके की, नीलगिरी के पहाड़ियों की, मोयार वैली की, इन सब की कहानियाँ, इन सब के शिकार लोर्स उन्होंने अपनी बुक में दिए हैं। उनकी एक फेमस बुक है कॉल ऑफ द टाइगर, तो उसमें उन्होंने बहुत सारे अपने एक्सपीरियंसेस लिखे हैं जो उनको भारत के जंगलों में हुए थे। तो आज उनकी पहली स्टोरी मैं आपको सुनाना चाह रहा हूँ। दोस्तों, उनकी जो पहली स्टोरी है उसका नाम है व्हेन आई वाज अ ग्रीन हॉर्न, यानी कि जब मैं अनाड़ी था, या यूँ कहिए जब मैं नौसिख हुआ था। तो एक नौसिख हुए के साथ हर एक एरिया में, चाहे वो शिकार के एरिया में हो या किसी और एरिया में हो, उसके साथ कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको पहले एक्सपेक्ट नहीं करता था या जो उसकी मेमोरी में पूरी ज़िंदगी भर रहती है। मुझे विश्वास है आप लोगों के साथ भी ऐसा हुआ होगा, चाहे आप किसी भी फील्ड में काम करते हों। जब आप शुरू शुरू में उस फील्ड में काम करने के लिए गए होंगे तो कुछ ना कुछ यादें ज़रूर ऐसी होंगी आपकी जो आपके दिलो दिमाग पर आउम्र छाई रहती है। तो ये भी कुछ ऐसी स्टोरीज़ थी जो उनके दिलो दिमाग पर छाई रहती थी, और अच्छी बात यह है कि उन्होंने उसे एक बुक में लिख दिया ताकि आज हमें उसे पढ़ने का मौका मिल गया। और सोशल मीडिया की देन है, यूट्यूब की देन है कि किसी एक ने पढ़ा तो और लोगों को भी सुनने का मौका मिल गया, और कम से कम समय में। तो दोस्तों, कहानी पावल की है और वो है साउथ की। साउथ में ये मोयार वैली की स्टोरी है, यूँ कहिए जो नीलगिरी पहाड़ियाँ हैं उसकी तलहटी में और ऊटी को जाने वाले रास्तों के पास में। तो कहते हैं कि हम यहाँ आए थे जंगल में और जंगल का एक्सपीरियंस लेना चाहते थे, और साथ में अगर संभव हो सके तो अगर टाइगर हंटिंग का मौका मिल जाए तो वो भी करते। उस ज़माने में ट्रॉफी हंटर भी बहुत हुआ करते थे। तो वो लोग अपने कुछ 5 साथियों के साथ निकल पड़े जंगल में। अच्छा, वहाँ पर जो इलाका था वो इलाका ऐसा है, आज भी साउथ इंडिया में हाथियों के झुंड बहुत आते हैं, आए दिन हम सुनते रहते हैं, तो उस ज़माने में भी बहुत था। तो मोया रिवर के पास का जो इलाका था वहाँ पर वो कहते हैं कि रात को हाथियों का झुंड आता था जंगल से और खेत के खेत बर्बाद करके सुबह चले जाते थे। लोगों ने मेहनत कर रखी है कई दिनों की, खेतों को बनाने में, उनकी जुताई करने में, उसमें बुआई करने में, फिर अनाज उगाने में, लेकिन हाथियों का झुंड एक रात में ख़त्म करके चला जाता है। तो ये बड़ा ही दिल दुखाने वाली बात थी। हालांकि जंगल भी काफ़ी बड़ा था पास में, जहाँ हाथियों के खाने के लिए भरपूर मात्रा में भोजन था, लेकिन हाथियों की भी कोई आकर्षण रहता होगा खेतों में, जिस वजह से वो वहाँ आते थे। बहरहाल वो कहे कि हम जंगल एक्सपीडिशन पे गए, उन्होंने वहाँ कुछ लोकल शिकारियों को हायर किया अपने साथ में और उनके साथ वो चल पड़े। एक उनके साथ जो व्यक्ति था वो था उनका नौकर, जिसका नाम बालू था। तो कर्नल पावल से कहा था कि आप जंगल में जा रहे हैं तो इस इलाके में ज़रा सतर्क रहिएगा, क्योंकि यहाँ बाइसन्स बहुत ज़्यादा है।
वो बात उनके दिमाग पर ऐसे छा गई कि जैसे वो घर से निकले, अपनी राइफल उन्होंने हाथ में पकड़ी और बिल्कुल रेडी फॉर एक्शन मोड में वो चले जा रहे थे जंगल में। उन्हें लग रहा था पता नहीं कब बाइसन उन्हें मिल जाए। और जिस समय वो निकले थे जंगल में, वो सुबह सुबह का समय था और वो एक ऐसा समय था जिस समय हाथियों का झुंड खेतों में अपना भोजन करके वापस जंगल की ओर जा रहा था। तो उनको ये भी डर था कि कहीं हाथी से भी टकरा जाए, और बहुत खुशकिस्मत रहे तो टाइगर भी उन्हें दिखाई दे दिया जा सकता है। तो इस प्रकार चलते रहे तो कर्नल पावल कहते हैं कि 3 घंटे हो गए अपनी राइफल को इसी प्रकार हाथ में पकड़े हुए चलते हुए। अब उन्हें थकान भी होने लगी, अब थोड़ा सा मोनोटोनस लगने लगा उन्हें कि शायद जिस बाइसन का वो इंतज़ार कर रहे हैं, जिसका उन्हें डर है, वो शायद उन्हें अब मिलेंगे नहीं। लिहाजा उन्होंने अपनी राइफल अपने सर्वेंट को दे दी, बालू, जो उनके पीछे था, और वो आगे नियाते चलने लगे। और तो साथ में उनके और शिकारी साथी भी थे, कुछ उनके आगे चल रहे थे। वो कहते हैं कि इस प्रकार हम चल रहे थे तो जो जंगल था उसमें कुछ क्रीपर्स थे, बड़े बड़े पेड़ भी नहीं थे, झाड़ झंझाड़ वाला जंगल था। उसके बाद बांस का जंगल शुरू हुआ जिसमें बांस की झाड़ियाँ थीं। वो तो जंगल कुछ बेहतर लगने लगा, और जो इस समय चारों तरफ दृश्य था जंगल का या जो परिस्थितियाँ उनके सामने हो रही थी, तो कहते हैं कि वो बेहद सुंदर है। या मैं इतना अच्छा व्यक्ति नहीं हूँ कि उसको बढ़िया ढंग से अपने शब्दों में आपको बता सकूँ कि कितना सुंदर यह लग रहा था। बहरहाल इस प्रकार आगे चलते चलते वो कहें कि अचानक उन्होंने देखा कि उनसे कुछ ही दूरी पर रास्ते में एक बांस बांस के झुरमुट के पीछे से एक बहुत विशालकाय हाथी चला आया, जिसके बड़े बड़े टस्क थे। या उनके साथ के जो लोग थे वो हाथी हाथी चिल्लाए और पीछे भाग गए। या उनके पास भी कोई चारा नहीं था, लेकिन उन्होंने ये सोचा था कि मैं राइफल ले लूं बालू से। हालांकि उनको ये बताया गया था कि यहाँ पर हाथियों को मारना स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है, अगर हाथी पर तुमने गोली चलाई तो तुम्हारा जो हंटिंग लाइसेंस है वो तुरंत खारिज हो जाएगा। लेकिन उस समय क्योंकि भगदड़ मच गई थी तो आत्मरक्षा के लिए वो कहने लगे कि मैं अपनी राइफल लेने के लिए बालू की तरफ मुड़ा तो देखा वो भी भागे जा रहा है और मुझे सबने पीछे छोड़ दिया। जो और लोग थे वो आगे थे, बालू थोड़ा उनसे पीछे था। कहे मेरी खुशकिस्मती से बालू को ठोकर लगी और वो गिर गया रास्ते में। तो इन्होंने तुरंत जाके उससे अपनी राइफल ले ली, बालू उठा वहाँ से भाग गया, और ये जो थे पावल वहीं पर खड़े रहे। उसके बाद ये कहते हैं कि मैं अपने घुटना टेक कर वहाँ पर खड़ा हो गया और अपनी राइफल मैंने उसकी ओर पॉइंट कर दी, हाथी की ओर, और यह डिटरमाइन कर लिया कि अगर यह मुझ पर हमला करेगा तो मेरे पास गोली चलाने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं रहेगा। तो मैं इंतज़ार कर रहा था कि यह हमला करेगा, मैं गोली चलाऊंगा, तो अचानक हाथी मुड़ा और एक तरफ चला गया रास्ते से। मैं बड़ा रिलीव्ड था और हाथी का शुक्रगुजार भी था कि उसने मुझे बख्श दी, मेरी जान बख्श दी। ये बहुत विशालकाय हाथी था, मुझे इस बात की कोई गारंटी नहीं थी कि अगर मैं गोली चलाता तो हाथी उससे मर जाता या उससे वो थोड़ा हतोत्साहित होकर भाग जाता। उससे गुस्सा भी हो सकता था, और भी ज़्यादा गुस्सा हो सकता था, और शायद वो गोली से न मरता, लेकिन यह बात तय थी कि मेरी बॉडी के चिथड़े उड़ जाते मैं जब उसके पैरों के तले रौंदा जाता। तो इसलिए वो कहते हैं कि मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ मेरे उस दोस्त हाथी का जिसने मेरी जान बख्श दी। लेकिन बड़ी दुख की बात थी कि अगले दिन मैंने समाचार सुना किसी शिकारी ने इस हाथी को मार दिया है। उसका कारण ये था कि ये हाथी वहाँ पर रोग डिक्लेयर था। इन रास्तों पर जैसे हमें मिला था ये, उसी तरह रास्तों में लोगों को मिलता था और अक्सर लोगों को मार देता था। पर
कल इसने हमारी जान बख्श दी, ये खुशी की बात थी और आश्चर्य की बात भी थी। लेकिन जब उस रास्ते में कोई बैलगाड़ी जाती थी तो ये बैलों को भी मार देता था, और उस बैलगाड़ी से लोग जान बचा के भाग गए तो ठीक है, नहीं तो उन्हें भी मार देता। इसलिए गवर्नमेंट ने उसे वहाँ रोग एलिफेंट डिक्लेयर किया हुआ था और उसको मारने के लिए परमिट इशू किया हुआ था। वो कहते हैं कि अगले दिन मेरे साथ कुछ दो तीन और साथी थे, वो वेलिंगटन न्यूजीलैंड से आए हुए थे, तो शिकार करने के लिए आए हुए थे। तो उनके साथ हम लोगों ने प्लान बनाया कि हम पास के जंगल में शिकार के लिए जाएंगे, जहाँ शिकार करना अलाउड है। तो उन्होंने लोकल के कुछ बीटर्स को अरेंज किया, उनको किराए पे लिया और उनके साथ जंगल में चले गए। बीटर्स को उन्होंने उनकी पोजीशन के लिए रवाना कर दिया, जहाँ से उनको बीट शुरू करनी थी, और अपना ये एक जगह खड़े होकर डिस्कस कर रहे थे कि इस पेड़ में हम लोग मचान बनाएंगे और इस पेड़ पे हम लोग चढ़ेंगे। भाई जब हमारा ये प्लान बन ही रहा था तो हमने आवाज़ सुनी हाँके की। बीटर्स ने हाँका डाल दिया था पहले ही। अब हमारे पास समय नहीं था मचान में चढ़ने का या मचान बनाने का, लिहाजा हम पास में जो खड़ी पड़ा पहाड़ी थी उसमें जाके बैठ के वैली के दूसरी तरफ। हमें उम्मीद ये थी कि जिस तरफ से हाँका पड़ा है उसी तरफ से कोई टाइगर या लेपर्ड जो भी आना होगा इस तरफ से आएगा, और हम उस तरफ बैठेंगे तो जाहिर है उसी तरफ भाग के आएगा, तो इनके लिए आसान हो जाएगा शिकार करना। क्योंकि हम बहुत देर तक इस प्रकार बैठे रहे तो अचानक हमें कुछ आवाज़ें सुनाई दी। ऐसा लग रहा था कि कोई जानवर झाड़ियों में मूव कर रहे हैं, लेकिन जानवर कौन सा था ये हमें दिखाई नहीं दे रहा था। ऐसा भी हो सकता है कि बीटर्स आ गए हों कुछ, क्योंकि उनकी अब आवाज़ें हमारी काफ़ी नज़दीक से सुनाई दे रही थी। तो जब हम यह कोशिश कर रहे थे कि आखिर ये क्या हो सकता है, मैं और बालू दोनों जने सोच रहे थे, तो इतने में हमने देखा एक बड़ा सा तेंदुआ हमारे सामने आ गया कुछ ही फीट दूरी। इससे पहले कि हम राइफल उठा के उस पर निशाना लगाते, वो हमारे सामने से गुजर के चला गया। तो मैंने बालू के पीछे से झुक के उस पर फायर करने की कोशिश भी की, लेकिन तब तक वो ओझल हो चुका था। तो उसके बाद हम फिर बैठ गए वहाँ पे। तो थोड़ी देर में एक दूसरा तेंदुआ आ गया जो साइज में उससे छोटा था, वो पास में आया, हम उस पर भी फायर नहीं कर पाए। दो के दो तेंदुए हमारे सामने से निकल गए। उसके बाद बीटर्स आ गए। बीटर्स को हमने बताया कि किस प्रकार से अभी हमारे सामने दो तेंदुए निकल गए, हम किसी पर भी फायर नहीं कर पाए। तो उन्होंने हमसे कहा कि आप लोग उतर के नीचे ढाल में चले जाएं। यहाँ पर हम बैठे थे वहाँ से नीचे की ओर ढाल था मोया रिवर की तरफ, अगर हम ढाल में जाएंगे तो ये लोग दोबारा यहाँ से बीट करेंगे, हाँका डालेंगे, तो यहाँ कोई भी तेंदुआ या टाइगर छुपा होगा तो नीचे की तरफ आएगा। तो इस उम्मीद में हम नीचे चले गए, मैं और बालू। जब हम वहाँ बैठे थे इंतज़ार कर रहे थे बीटर्स का हाँका डालने का, तो इतने में हमें एक रोर सुनाई दी। कई अजीब किस्म की रोर थी, ये समझ में नहीं आया क्योंकि ये टाइगर से भी मैच नहीं कर रही थी, ये और किसी जानवर से मैच नहीं कर रही थी। थोड़ी देर में बालू मेरे से कहने लगा कि सर हम जहाँ पर बैठे हैं यह जगह अच्छी नहीं है, हमको कहीं सेफ जगह पे बैठना चाहिए। उसने भी यह रोर सुन ली थी। तो उसके बाद जाके हम एक ऊपर टीले पर जाके बैठ गए। तो बाद में फिर हमें बताया गया कि ये जो रोर थी एक्चुअली ये एक हाथी की थी। बीटर्स ने जब बीट डाली, हाँका शुरू किया, तो वहाँ टाइगर तो कोई था नहीं, एक हाथी था वहाँ पे, जो बीटर्स के बीच में फंस गया था एक तरह से। तो अब वो अपना गुस्सा दिखा रहा था, घबराया हुआ भी था और गुस्सा भी दिखा रहा था। इतने ज़्यादा लोग थे तो कभी वो इस तरफ जाता कभी उस तरफ जाता, अंत में वो रोर करते हुए एक बीट टीम के सामने से निकल गया बिना किसी को नुकसान पहुँचाए हुए। इस प्रकार आज का हमारा दिन ख़त्म हुआ।
जिसमें हमने एक तेंदुए को अपने सामने से मिस किया और दूसरा हाथी की एक अजीबोगरीब रोर सुनी जो आज तक कभी नहीं सुनी थी। हाथी की चिंगाड़ पहले जरूर सुनी थी लेकिन इस तरह की रोर कभी नहीं सुनी थी। ये एक नया एक्सपीरियंस था मेरे लिए। जब हम घर आए उसके बाद हमारे जो और वेलिंगटन से जो शिकारी आए थे वो तो चले गए, लेकिन हमें समाचार मिला घर में कि अगर हम जंगल में जाना चाहते हैं तो थोड़ा खतरनाक माहौल है। उसकी एक वजह ये है कि एक हथिनी के बच्चे को टाइगर ने मार दिया है, जिसकी वजह से वो बहुत बौखलाई हुई है और वो भी उस इलाके में रोर करती हुई घूम रही है। और जाहिर है जहाँ पर उसका बच्चा मारा गया वो वहाँ पर पहरा दे रही है। उसने सेंस कर लिया है कि हाथी और टाइगर उसके बच्चे को दोबारा खाने के लिए आ रहा है और वो उसे भगा रही है। और उसके अलावा आसपास अगर वो कहीं किसी इंसान को जाते हुए दूर दूर देख रही है तो उसको भी चेज कर रही है। तो स्थिति थोड़ा गंभीर हो रही है, इसलिए वहाँ हम नहीं जा सकते हैं। और दूसरी स्थिति यह है कि जिस एलिफेंट को मारा था कल किसी शिकारी ने, जिसे रोग बताया गया था, उस एलिफेंट को घेर के हथिनियों का एक बहुत बड़ा झुंड खड़ा आया वहाँ। वहाँ पर कुछ लोगों को पहरे के लिए बिठाया था ताकि कोई उस हाथी के दांत चुरा के न ले जाए। उन लोगों को इन हाथियों ने भगा दिया है वहाँ से, और वहाँ पर ये आके उस मरे हुए हाथी को घेर के उसे उठाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हाथी मरा पड़ा है, उनसे उठ नहीं रहा है। लेकिन वहाँ से वो झुंड जाने को तैयार नहीं है। तो पवेल ने अपनी इच्छा जाहिर की कि वो खुद जाके वो नज़ारा देखना चाहते हैं, आखिरकार कितने हाथी हैं, कितनी हथनियाँ हैं और किस प्रकार वो उस मरे हुए हाथी को घेर कर खड़े हैं। तो इसके लिए वो ये जो घटना थी उनके घर से करीब, जहाँ पर वो ठहरे हुए थे वहाँ से करीब 20-25 किलोमीटर दूर थी। तो इतनी दूर पैदल चलना मेरे लिए संभव नहीं था, मेरे पैर में चोट भी लगी थी, कहते हैं पावल। तो वहाँ से वो कहते हैं उन्होंने एक घोड़ा गाड़ी, जिसे झटका कहते हैं उस इलाके में, उसे हायर किया। उसमें ये चार साथी बैठे। कहते हैं कि झटका का मतलब होता है हिंदुस्तानी में धक्का लगना। कई इस गाड़ी में अगर आप बैठेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि झटके का असली मतलब क्या होता है। तो इस गाड़ी का नाम झटका के अलावा कुछ हो ही नहीं सकता था। बहरहाल हम मोया रिवर के पास में पहुँचे, जहाँ पर काफ़ी हरी घास थी। वहाँ पर हमने गाड़ी के ड्राइवर और घोड़े को छोड़ दिया। तो कहते हैं वहाँ उन्हें एक कोई गाइड मिला, वो उन्हें कुछ दूर आगे तक लेके गया। उसके बाद उन्होंने मुझसे और मेरे नौकर से कहा आप यहाँ पर बैठो, मैं आगे जाके रास्ता ढूंढता हूँ, क्योंकि हम रास्ता भटक गए थे। वो 3 घंटे बाद वापस आया, कहने लगा कि रास्ता नहीं मिला। मुझे शक ही नहीं, पूरा विश्वास है वो कहीं गए नहीं, वो कुछ 2-3 मोड़ आगे जाके कहीं सो गए थे और फिर वापस आके कहने लगे कि रास्ता नहीं मिल रहा है। तो उसकी वजह शायद ये हो सकती है, या तो उन्हें डर लग रहा हो आगे जाने में, या कोई इलाके का अंधविश्वास ऐसा हो जिसकी वजह से वो वहाँ नहीं जाना चाह रहे हो। तो कहते हैं कि पास के गांव में जब हम पहुँचे वहाँ बड़ी हालत अजीब किस्म की थी। वहाँ देखा लोगों ने अपने सोने के लिए जो प्लेटफॉर्म बना रखे हैं पेड़ में करीब 30-30 फीट की ऊंचाई पर बना रखे हैं। और सबसे बुरी बात उसमें ये थी कि जो महिलाएं थी वो अपने साथ दो दो तीन तीन बच्चों को वहाँ ले जाने के लिए मजबूर थी। नीचे जो उनके घर बने थे वो कच्चे घर थे और हाथी कभी भी आके उन घरों को तोड़ देते थे और उनके अंदर जो भी व्यक्ति उन्हें मिलता था उसे मार देते। इस डर से ये लोग ऊपर प्लेटफॉर्म बना के उसमें रातें बिताते थे। और उसमें और ख़तरनाक बात ये थी कि उन प्लेटफॉर्म में चारों तरफ से कोई रेलिंग भी नहीं बनी थी। अगर रात को कोई बच्चा करवट लेते हुए ऊपर से गिर गया तो फिर उसका बसना मुश्किल होता। हालांकि शुक्र है इस तरह की कोई घटना उन लोगों ने बताई नहीं, लेकिन फिर भी वो इस खतरनाक माहौल में रह रहे थे हाथियों की वजह से। हाथियों ने उनका जीना दूभर कर रखा था। तो वहाँ उन्होंने इंक्वायरी की कि
किसी गाइड के लिए कि उन्हें कोई गाइड मिल जाए जो कि उन्हें वहाँ तक ले जा सके। तो पावल कहते हैं कि उसके बाद वो गांव के कुछ लोगों के साथ पास के जंगल में गए। वो उस इलाके में जाना चाह रहे थे जहाँ हाथियों का झुंड है, तो उन्हें कुछ देर में एक हाथी की रोर सुनाई दी। कह ये उसी हथिनी की रोर बताई गई थी जिसके बच्चे को टाइगर ने मारा था। वो हमारी तरफ आ रही थी, तो हम फटाफट भाग के एक पेड़ों के तनों के पीछे से छुप गए। वो आई उसी रास्ते से, पर फॉर्चुनेटली उसने हमें नोटिस नहीं किया और उसके बाद आगे चले गई। तो ये उसी तरफ जा रही थी जहाँ हमारी घोड़ा गाड़ी थी और ड्राइवर था। तो बालू ने मुझसे कहा कि साहब उस घोड़ा गाड़ी का मिलना मुश्किल है जब हम वापस पहुँचेंगे। जब दिन ख़त्म हो रहा था हम वापस लौटे अपनी घोड़ा गाड़ी की तरफ। जब वहाँ पहुँचे देखे हमारा घोड़ा गाड़ी का जो ड्राइवर था वो डर से अभी भी कांप रहा था। उसका कहना था कि ये जो गुस्सेल हथनी थी रोर करती हुई उनसे कुछ ही मीटर की दूरी से गुजरी थी और फॉर्चुनेटली उसने इनको कुछ नहीं किया। वह पावल कहते हैं कि वो गाड़ी में बैठे और चल पड़े अपने कमरे की ओर जहाँ वो टिके हुए थे। कुछ देर आगे चले थे, अंधेरा हो चुका था, तो एक जगह पे उनका झटका जो था रुक गया, उनकी जो घोड़ा गाड़ी थी। उन्होंने पूछा ड्राइवर से क्या हुआ, तो ड्राइवर ने कहा कि रास्ते में आगे एक टाइगर है। तो पावल उतरे और दबे पांव उस तरफ गए जहाँ उन्हें बताया गया था कि टाइगर देखा। तो कहते हैं कि वहाँ कुछ झाड़ियाँ थी, उन झाड़ियों के पास में पहुँच के उन्होंने अपना टॉर्च ऑन किया जो कि बड़ा मंदा जल रहा था। वो तो कहते हैं कि झाड़ियों से एक गुर्राहट आई उनके लिए गुस्से से भरी हुई। तो यह सुनकर उनके साथियों ने उन्हें पकड़ लिया और उनसे कहा कि भाई गाड़ी में बैठो अब घर की ओर चलते हैं। असल में वहाँ पर एक हिरणों का झुंड गया था, ये टाइगर उनके पीछे जा रहा था। तो पायल कहते हैं कि फिर हम गाड़ी में बैठे और वापस अपने ठिकाने की ओर चल पड़े। तो कहते हैं कि यह उनका पहला एक्सपीरियंस था जब वो एकदम नौसिखवे थे। जंगल में किस किस तरह के एक्सपीरियंसेस होते हैं उनकी कड़ी में यह उनका पहला एक्सपीरियंस था। तो दोस्तों उम्मीद है आपको स्टोरी पसंद आई होगी। जल्दी ही एक और स्टोरी के साथ फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।